बाय विच यू कैन प्रिपेयर योर करेंट अफेयर्स टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स. कुछ करेंट अफेयर्स की टॉपिक्स कैसे हम आप प्रिपेयर करना है मैं आपको आज बताऊंगी. हेलो एवरीवन, दिस साइड आकांक्षा एंड टुडे आई विल शेयर फ्यू टिप्स बाय विच यू कैन प्रिपेयर योर करेंट अफेयर्स टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स. कुछ करेंट अफेयर्स की टॉपिक्स कैसे हम आप प्रिपेयर करना है मैं आपको आज बताऊंगी. सो कुछ टिप्स हैं. जैसे कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपको हर रिसोर्स के बारे में पढ़ना है. कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं, अगर आप उसकी हेल्प से अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको बेटर नॉलेज मिलेगी. जैसे कि आपका इंडिया बुक है, इंडिया ईयर बुक है, आपका न्यूज़पेपर हो गया द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका मनोरमा ईयर बुक आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ सकते हैं, योजना मैगजीन पढ़ सकते हैं. तो ये सारी ये जो बुक्स हैं आप इसके थ्रू भी आप अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं. टिप नंबर टू है कि टाइम लिमिटेशन. ऐसा नहीं है कि आपको सारा टाइम अपने करंट अफेयर्स पे देना है. आप अगर दिन के 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम देना इम्पॉर्टेंट है. तो आपको टाइम लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना है. टिप नंबर थ्री है डोंट मगअप. आप करंट अफेयर्स को रट नहीं सकते कि हम ये भी रट लें ये भी रट लें, नो. सो आपको जो चीज़ें हैं बेसिक सारे नोट्स बनाने हैं, सारे उसको रिविजन भी करना. टिप नंबर 4 है व्हाट नॉट टू रीड. नॉट एवरीथिंग कमिंग इन अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट. जो भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में सब आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं. एंड द लास्ट टिप इज मेक डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिवाइज डेली. आपको हमेशा के लिए इसकी हैबिट बनानी है कि आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है और आपको इसका रिविजन भी करना है साथ. तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिससे आप अपना करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.